हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्किल। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी के नाम से, सिर्फ किसी के नाम से आप ये पता लगा सकते हो कि उसके नाम से अभी कितनी ज़मीन है। दोस्तों अभी आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो जो है गलत है, लेकिन इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें, आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम ये सब चेक कर सकते हैं और ये सब बिल्कुल ही सही है। एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो अब ज़मीन की खरीद बिक्री होती है वो ऑनलाइन होती है, यानी उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है रजिस्ट्रार ऑफिस में वो अब ऑनलाइन हो रहा है और हर जगह ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो आप सोच सकते हो कि हम लोग कितने आगे बढ़ चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने फैमिली मेम्बर को इसके बारे में ज़रूर बताइएगा ताकि उन लोगों को भी पता चल सके और वो जो लोग हैं वो भी अपने अपने फैमिली मेम्बर के नाम से इस इन्फॉर्मेशन को चेक कर सके। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बारे में मैं आपको अंत में बता दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको ये जानना ज़रूरी है कि उसका यूज हम कैसे करेंगे। तो पहले मैं आपको उसके बारे में दिखा देता हूँ। तो एप्लीकेशन को मैं ओपन करता हूँ। दोस्तों एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है खाता खसरा देखें, दूसरा है भू नक्शा देखें। नीचे जाने पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें अगर आप क्लिक करते हो तो किन के नाम पर कितनी ज़मीन है सिर्फ उनके नाम से देख पाओगे, और दूसरा जो है भू नक्शा देखें, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो इस पर आप सिर्फ नक्शा देख पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं खाता खसरा देखे पे क्लिक करके आपको बताता हूँ कि किस तरह से कैसे करना है, तो अब आप नाम के थ्रू जान पाओगे कि कितनी ज़मीन है। दोस्तों ओपन करने के बाद आपको भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, इंडिया के अंदर जितने भी राज्य हैं सबके नाम यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अंडमान निकोबार द्वीप और निकोबार, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार। ठीक है दोस्तों, तो आपको अपना राज्य चुन लेना है। तो मैं यहाँ पर चुन लेता हूँ उत्तराखंड, क्योंकि मेरे जो एक रिलेशन है भैया उत्तराखंड में रहते हैं, और अभी जो ज़मीन के मतलब ज़मीन का जो इन्फॉर्मेशन होता है, मेरे ज़मीन के इन्फॉर्मेशन की मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो उन्होंने मुझे बताया तो उनके ज़मीन को मैं आपको सर्च करके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे ऐड आ चुका है, इस पर कट पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है दो ऑप्शन आपको दिखेंगे, पहला है ज़िला का, यानी ज़िला चुनना है तो चंपावत ज़िला है उनका, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ ये मिल गया। और इनका जो तहसील ऑफिस है इसके बारे में भी मुझे जानकारी नहीं थी, उन्होंने बताई, तो तहसील ऑफिस भी चंपावत ही है उनका। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आपका ज़िला चुनना है और तहसील ऑफिस चुनना है, और तहसील ऑफिस की जानकारी आपको मिल जाएगी आपको अपने ज़मीन के और रजिस्ट्रेशन कार्ड में। ठीक है दोस्तों, तो आपको सही से इन्फॉर्मेशन भरना होगा। अब ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है, फिर से आपको बोल रहा है जनपद चुने, यानी जनपद का मतलब होता है जिला, फिर से गुना जिला को क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद तहसील ऑफिस को फिर से क्लिक करना है, टिक करना है। अब अपना गाँव चुन लेना है, यानी आपका जो गाँव है वो गाँव को आपको चुन लेना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं चुन लेता हूँ। अब दोस्तों गांव चुनने के बाद आपको गांव के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, तो यहाँ पे सभी के मतलब सभी के नाम से डेटा आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे, खसरा गाटा संख्या द्वारा खोजें, या फिर खाता संख्या द्वारा खोजें और खातेदार के नाम के द्वारा खोजें। तो सिंपल है कि आप नाम ही जानते होंगे, उनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं होगा, तो नाम पर क्लिक करते हैं। दोस्तों नाम पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे नाम के कुछ अक्षर भरें, तो दोस्तों नाम के कुछ अक्षर भरे में आपको उनका नाम इंटर करना होगा। दोस्तों मैं नाम आपको नहीं बताने वाला, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि उनका नाम प्राइवेसी है तो प्राइवेट रहना चाहिए। तो मैं नाम का पहला अक्षर मैंने क्लिक किया और खोजे पे क्लिक किया, तो बहुत सारे यहाँ पे नाम आ चुके हैं, तो उनका जो नाम है मैंने उन पर क्लिक मैं उनके नाम पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों उदाहरण देखे पे क्लिक करना है आपको। अब दोस्तों यहाँ पे ये लोडिंग हो रहा है सारा रिपोर्ट। दोस्तों यहाँ पे रिपोर्ट जो है पूरी तरह से आ चुका है, और उनका यहाँ पे रिपोर्ट आपको दिख रहा होगा, और कितना ज़मीन है वो सब भी यहाँ पे सब आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है सर्च भुलेख और ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल आपको मिल जाएगा। और दोस्तों जिन लोगों के राज्य में ये सर्विस अवेलेबल है वो लोग इस एप्लीकेशन का फ़ायदा उठा पाओगे। और दोस्तों यहाँ पे इसका लास्ट अपडेट है 28 अक्टूबर 2018, यानी ये हाल ही में अपडेट हुआ है और डेटा को अपने इस मतलब साइट पे जुटाने की कोशिश कर रहा है और ये जल्दी पूरा कर लेगा। ठीक है दोस्तों, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर करना चाहते हो इस इन्फॉर्मेशन को तो उन्हें भी ज़रूर बताना, अपने ग्रुप में शेयर करना। और दोस्तों इस तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।